अमित जी यहीं से नजर डालेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम के अंदर हमने 10,000 के लेवल्स फिर से टेस्ट होते हुए देखे थे, लेकिन वहां पे एक सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। एक बार फिर से 9,600 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने पहले बताया था कि एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अब देख रहे हैं कि ग्वार शेयर के अंदर भी अब 5,700 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से निचले स्तर से ग्वार के अंदर खरीदारी बन सकती है अभी भी? देखिए ब्रॉडली 5,500 के ऊपर जब तक ग्वार शेयर है तब तक मैं मंदी की तरफ रुख नहीं करूंगा। हाँ, ये जो एक फेज है, ये एक दायरे का फेज है जहाँ पर 6,200 के नीचे जब तक ग्वार शेयर बना रहेगा तब तक दोबारा तेजी नहीं पकड़ेगा। उसी प्रकार जब तक 10,300 के नीचे जब तक ग्वार गम प्राइसेस है तब तक एक दायरा जो है 9,200 से 10,300 का ग्वार गम में बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये दायरे का कारोबार है और कुछ और समय अगेन इस काउंटर में भी मुझे दायरा बनता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही हम 6,200 के ऊपर क्लोजिंग लेने में कामयाब हो गए ग्वार स्विंग में और 10,300 के ऊपर ग्वार गम में, तो हमें दोबारा बाजार जो है वो तेजी की तरफ रुख करता हुआ दिखेगा, जहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल होगा 6,800 का ग्वार सीड में और 11,300 का लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर की तेजी हमें ग्वार गम में दोबारा दिखाई दे पाएगी। तो मैं ओवरऑल अभी भी मंदी में नहीं हूँ, हालांकि एक्सट्रीमेंट से बाय करना है, यानी 5,500 के नजदीक आता है बाय कर लीजिए, 6,200 के करीब आता है ग्वार सीड में बुक कर लीजिए, तो ये एक दायरे का कारोबार डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन एक अपसाइड बाय है। जी,